दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब कभी आप अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ पे सारा कुछ कर लेने के बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन सभी ऐड कर लेने के बाद वहाँ पे लास्ट में जब थंबनेल ऐड करते हैं तो वहाँ पे थंबनेल सेव नहीं हो पाता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना पाए। दोस्तों वीडियो पसंद पड़े तो कृपया इसे लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि वीडियो आप अगर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लेते हैं वहाँ पर सारा चीज़ इंटर कर लेने के बाद, जैसे कि टाइटल डिस्क्रिप्शन सब चीज़ इंटर कर लेने के बाद वहाँ पर थंबनेल को हम सेव करना चाहते हैं तो कभी कभी वहाँ पर सेव का आइकन इनेबल नहीं हो पाता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं तो YTO स्टूडियो आप ओपन कर इंस्टॉल कर चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे YTO स्टूडियो में ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे एक वीडियो ले लेता हूँ। जैसे ये दोस्तों मैं वीडियो यहाँ पे ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे थंबनेल अपलोड करने के क्या करते हैं, हम सिंपली इस पे पेंसिल आकार पे क्लिक करते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे पेंसिल पे टच करते हैं। अब दोस्तों जो भी आपका थंबनेल लेना होता है आप ले लेते हैं। जैसे कि इस थंबनेल को लेना है तो इस थंबनेल को ले लिए, नहीं तो दूसरा चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज करके आप दूसरा थंबनेल यहाँ से ले लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे एक मान लेते हैं कोई थंबनेल ले लिया। अब थंबनेल लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपका सेलेक्ट यहाँ पे, जैसे कि सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ, सेलेक्ट आपका हो जाता है। और दोस्तों सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप जो भी चीज़ इंटर करना चाहते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन, आप इंटर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर बाद में हम सेव करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा दूँ आपको, इस तरह से आप सेव करना चाहते हैं तो आपका सेव का आइकन इनेबल नहीं हो पाता है, यानी कि यहाँ पर सेव नहीं हो पाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर टच करके दिखाता हूँ, यहाँ पर सेव इस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, जो भी दोस्तों आपका यहाँ पर टाइटल होता है तो सिंपली दोस्तों टाइटल में कोई भी एक लेटर को आपको यहाँ पर हटा देना है या फिर अलग से इसमें कुछ इंक्लूड करना है। जैसे सिंपली दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं 0 को हटाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इस तरह से यहाँ पर इनेबल हो चुका है, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। इसको टच करने पे इस तरह से आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको टच करने पे इस तरह से आपका यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, यानी कि टच करने पे आपका इस तरह से चाहे तो यहाँ पे आपका टाइटल का कोई भी एक लेटर को हटा देना है, हटा करके फिर सेव करते हैं तो सेव आपका आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके होंगे किस तरह से जब यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं और लास्ट में थंबनेल को ऐड करते हैं तो सेलेक्ट कर लेने के बाद वहाँ पे सेव किस तरह से होता है, यानी कि सेव का आइकन किस तरह से इनेबल करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। सो थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।